धान की खरीद पर आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मिलने पहुंचे। मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि कल से एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी। धान की खरीद बंद होने पर दोनों राज्यों में जमकर बवाल हो रहा था और इन सबके बीच एक बड़ा फैसला लिया गया। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच ये भिड़ंत हो रही थी धान खरीद को लेकर। पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर किसानों ने धान खरीद पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंचकुला में तो पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हो गया, दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। यहाँ पे तीन जगह से किसानों को उठाया गया है और अलग अलग जगह पे हैं, कहाँ कहाँ हमें अभी तक वो भी कन्फर्म नहीं हो पाया और काफी किसानों से मारपीट की है और जानबूझकर उन किसानों को ज्यादा मारा गया है जो यहाँ पे परमानेंट आते हैं। वही सिरसा में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के घर के सामने ही किसान धरने पर बैठ गए। सुरक्षा के लिए जो बैरिकेड लगाए थे किसानों ने उन्हें तोड़ दिया। पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। वहीं यमुनानगर में किसानों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के घर का घेराव किया। पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हुए थे लेकिन तब भी किसानों ने नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है कि हरियाणा में कल से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। हमने केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि सरकार के इस ऐलान के बाद किसानों का गुस्सा शांत होगा और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बंद होंगे। ABP News आपको रखे आगे।